नौकरशाही.com के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं इरशाद उल हक और आज हम आपको पुलवामा कांड के बाद, पुलवामा में आतंकी हमले के बाद और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भारत के एयर स्ट्राइक के बाद की जो हालात बने हैं, इस पर दो तीन महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहली बात यह है कि 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी वारदात होता है जिसमें आत्मघाती हमला किया जाता है जिससे हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल बनता है और उसके बाद यह तय किया जाता है कि भारत को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। 26 फरवरी को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक किया जाता है और दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारत की एयरफोर्स ने हमला किया और बहुत तबाही मचाई। हालांकि इसके बाद कितनी कैजुअल्टी हुई इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा भारत सरकार ने नहीं दिया, लेकिन टीवी चैनलों ने अपने से अलग अलग आंकड़े देने शुरू कर दिए जिसमें यह बताया गया कि 350 आतंकवादियों की मौत हो गई है उस स्ट्राइक में। और उसके बाद जो स्थिति बनी उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इसका बदला लेने की कार्रवाई होती है और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक दूसरे पे हमले किए जाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि भारत के एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान सेना के कब्जे में चले जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है, लेकिन इस कहानी के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य भारत में बदल रहा है इस तरह से और जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है वह शर्मनाक है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि जब पुलवामा में आतंकवादी हमले होते हैं उसके बाद भारत की तरफ से इस जवाबी कार्रवाई की जाती है तो सबसे पहले एक खबर आती है कि भरत पांड्या जो गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वहां के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो राष्ट्रवाद की भावना इससे बनती है इस आतंकवादी हमले और उसके खिलाफ कार्रवाई के बाद उसको वोट में बदलना चाहिए। शायद ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि सैनिकों की खून पर, सैनिकों की जिंदगी पे राजनीति की जा रही है। लेकिन अगर सिर्फ भरत पांड्या ने ये बात कही होती तो मान लिया जाता कि किसी नेता की तरफ से इस तरह की बात कही गई है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता जो कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहां पे वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने दावा किया कि इस हमले के बाद कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अब 22 सीटें जीत सकती है। जरा सोचिए ये कितनी घातक बात है कि हम अपने शहीदों के खून से राजनीति करें और राष्ट्रवाद की जो भावना है वो उसके लिए एक पार्टी विशेष अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक बात है। इतना ही नहीं, अब इसके बाद के हालात को हम जरा देखने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन हमलों से पहले भी और हमलों के बाद भी लगातार राजनीतिक रैलियां करते हैं और हद तो तब हो जाती है कि एक रैली के दौरान जिस मंच पर वो भाषण दे रहे हैं उसके बैकड्रॉप में पीछे की तरफ उन 44 शहीदों की तस्वीरें लगाई जाती है। तो क्या यह लड़ाई राजनीतिक लाभ के लिए लड़ी गई थी? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री तक जो एक क्रम आप देख रहे हैं उससे यह साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ ले रही है और वो भी किस कीमत पे। उसकी कीमत यह है
कि भारतीय जनता पार्टी भारत के शहीद जवानों की सरों की कीमत पर उनके खून की कीमत को राजनीतिक रूप से भुनाना चाहती है। सवाल यह है कि क्या हमारी फौज, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनके खून की कीमत सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए लगाई जाएगी या फिर देश के लिए लगाई जाएगी? वो देश की सुरक्षा करते हैं, देश के लिए जान जोखिम में डालते हैं, न कि किसी पार्टी के लिए। और अगर कोई पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है तो यह शर्मनाक है और यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस क्रम में हम आपसे दूसरी बात शेयर करना चाहते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, जो पाकिस्तान के कब्जे में चले गए थे, पाकिस्तान ने उन्हें लगभग 48 घंटे तक अपने पास रखा और उसने दरियादिली दिखाई कि उसने हमारे विंग कमांडर को वापस कर दिया। अब इस वापसी को भी हम एक विजय की तरह देख रहे हैं। ये कुछ चैनल तो इस तरह से गुणगान कर रहे हैं कि भारत के दबाव में पाकिस्तान इतना डर गया कि उसने डर से विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापस भेज दिया। सवाल यह है कि अगर भारत से पाकिस्तान डर ही जाता तो फिर मसूद अजहर, जो आतंकवादी है और जिसके जैश ए मोहम्मद संगठन ने इस आतंकवादी वारदात की उसकी को स्वीकार किया है कि उसने ये आतंकवादी हमले करवाए, तो फिर आप हमारे डर से पाकिस्तान मसूद अजहर को भारत के हवाले क्यों नहीं करता? तो यह सवाल गंभीर है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश को इतना सीधा देश भी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, जो भारतीय मीडिया उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। मिसाल के तौर पे आप जो पाकिस्तान सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर के बयान को देखिए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 27 तारीख को और कहा कि उन्होंने भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया है और दो भारतीय सेना के दो जवानों को, एयरफोर्स के दो जवानों को गिरफ्तार किया गया है। दो पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी रेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महजब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से जख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। उसके बाद उन्होंने ये जानकारी ट्वीट पर भी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन उसके तुरंत बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और उसमें कहा कि नहीं, सिर्फ एक भारत का सिर्फ एक जवान गिरफ्तार किया गया है। तो सवाल यह है कि ये जो बदलाव आया बयान में, पहले उन्होंने ट्वीट भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बजाबता ये बताया, तो अब सवाल यह है कि क्या ऐसा तो नहीं कि सचमुच पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापिस करके हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके पीछे पीठ में छुरा भोंकने के लिए उसने हमारे एक पायलट को, जिसका उन्होंने खुद कहा था कि हमने दो लोगों को अरेस्ट किया है, दो जवानों को अरेस्ट किया है, वो दूसरा जवान कहाँ है? इसलिए भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाहिए, नहीं तो कोई ऐसा भी संभव है कि पाकिस्तान बाद में चल करके इसका कोई लाभ लेने की कोशिश कर सकता है। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान की साजिशों को अब पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर ही अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह से इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करे इस पूरे मामले का, तो फिर हमारी जीत कैसे हो जाती है? हमारे लिए गर्व की कैसे बात है कि कोई आतंकवादी संगठन का एक आत्मघाती व्यक्ति आए और 200 किलो RDX लेकर के आए और हमारे जवानों को शहीद कर दे, इसमें हमारा फेलियर है और हम इसको राजनीति का हथियार बनाएं? हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जिस दिन यानी कि 14 फरवरी को ये आत्मघाती हमला हुआ, उस दिन
प्रियंका गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली थी, लेकिन जैसे ही ये खबर मिली तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया और इस दुख में की घड़ी में मौन रखा। तो एक तरफ हमारे देश की विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले को देश के स्वाभिमान, देश की अस्मिता और देश की सीमाओं की सुरक्षा का मामला मानती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इतना नीचे गिर रही है, तो ये चिंता की बात है।